नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आनंद कुमार और स्वागत है आपका आपके प्यारे राज दुलारे ईएलसीएम के स्टडी चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पे ही रहे भाई, कहीं जाना आना नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रोक्लामेशन दिया था कि टारगेट ऑक्सफोर्ड बैच शुरू करने जा रहा हूं 1 तारीख से, और आज 1 मई है। तो टारगेट ऑक्सफोर्ड बैच में मैंने क्या बोला था भाई कि 2 बैचेज उसमें चलेंगी, 2 सीरीज उसमें चलेंगी। पहला जो सीरीज होगा वो तो होगा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के बुक को कवर करा जाएगा, और जो दूसरा बुक होगा उसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी को कवर अप करा जाएगा। मीन्स पूरा का पूरा इस डिक्शनरी को पेज नंबर 1 से लेकर के जो भी लास्ट पेज पेज नंबर 798 लास्ट पेज नंबर है, तो लास्ट पेज तक पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर लास्ट तक कवर अप करा जाएगा इस सेशन में, इस सुबह वाले सेशन में। तो सुबह के 7 बजे हुए हैं, आशा है आप लोग एकदम फ्रेश मूड में होंगे, एकदम ताजा ताजा तैयार हुए होंगे, और 7 से जितने बजे तक भी हम लोग करके देखेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा एक दिन में वर्ड मीनिंग हो जाए। हाँ, इतना ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं लेंगे कि आप लोग को समझ में ना आए, आप लोग का बाउंसर भागने लगे, और जो भी मैं बताऊंगा उसका जो पार्ट होंगे उसके जो बताने का स्ट्रेटजी मैंने मोनोपोली जो मैंने तैयार किया है, जिसे क्या कहा जाता है ब्लूप्रिंट जो कहा जाता है, तो मैंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो है ये। सबसे पहले मैं बताऊंगा वर्ड, वर्ड के बाद वर्ड का ओरिजिनेशन बताऊंगा कि आखिर कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो, उसके बाद मैं बताऊंगा हिंदी मीनिंग उस वर्ड का, उसके बाद मैं बताऊंगा उस वर्ड के इंग्लिश मीनिंग को, एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू द एग्जांपल यूजिंग द वर्ड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में वर्ड्स का यूज करते हुए मैं उसका आप लोगों को एग्जाम्पल भी देता चलूंगा। तो आशा है आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और इस सेशन में सुबह 7 बजे आप लोग के डिक्शनरी सेक्शन आ रहे हैं, शाम 4 बजे आप लोग के ग्रामर सेशन आ रहे हैं। तो दोनों सेशन को देखिए, 1 तारीख से मीन्स आज से सभी चीजों का प्रारंभ आज से ही किया जा रहा है, सभी चीज आज से ही स्टार्ट हुए हैं। पहला हम लोग का टारगेट एनसीईआरटी तो है, पहले से स्टार्ट हो चुका है भाई। तो टारगेट एनसीईआरटी को भी जाकर के आप लोग देखो, अगर नहीं देखते तो काफी अच्छा मैथमेटिक्स चल रहा है, राहुल सर काफी अच्छे से उस चीज को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाओ और जाकर के देखो कि क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स चल रही है। क्लास 9 के लिए भी मैथमेटिक्स की सीरीज आनी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में, और देखते हैं क्या होता है, उसके साइंस का आता है कि नहीं आता है, एसएसटी का आता है कि नहीं आता है, सारे कोर्सेज धीरे धीरे यहाँ पर लाए जाएंगे। तो अगर आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में से किसी भी क्लास के छात्र हो, ईएलसीएम को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर आप लोग के लिए ईएलसीएम लेकर आ रहा है बैचेज का महाकुंभ। बैचेज का महाकुंभ का मीन्स हो जाएगा इतने सारे बैचेज होंगे भाई, आपको अगर स्कूल अभी बंद है, कॉलेज अभी बंद है, तो वहां अभी जाने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे बैठो, आराम से वहीं पर पढ़ो, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। आज का इस सेशन श्री गणेश कर देते हैं, है ना, भगवान का नाम ले लेते हैं, मतलब हे माता सरस्वती आज के इस बैच को काफी अच्छे से हम लोग को कवर अप करा दें, और इतने अच्छे से हमारे विद्यार्थी सीखे, इतने अच्छे से उनको समझ में आने लगे कि यहाँ पर लिखा गया जो भी वर्ड हो उनके कॉपी में कम और उनके दिमाग में ज्यादा छपे, उनके कॉपी में कम लिखा है और उनके दिमाग में ज्यादा लिखा है, ठीक है। तो चलिए एकदम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, हम लोग का फर्स्ट वर्ड ये भैया ए और एन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एन नहीं लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि डिक्शनरी बुक के अनुसार एन तो ए के बाद जब एन आएगा, अभी हम लोग ए के साथ बी तक ही चल रहे हैं ना, तो ए एन फिर भी आप लोग को समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो एन ए का मीन्स या एन का मीन्स क्या हो जाता है, एक हो जाता है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ये किस चीज के रूप में यूज किया जाता है, इसका ऑरिजिन क्या है भाई, तो इसका ऑरिजिन है आर्टिकल, ए और एन दोनों के दोनों एक आर्टिकल है भाई। आर्टिकल का मीन्स क्या होता है, नाउन के पहले यूज करे जाएंगे, अब नाउन आएगा ना तब ये यूज करेंगे आर्टिकल का, एक चीज तो समझ में आ गया ना। तो देख रहे हैं जैसे ही हमको इसका ओरिजिन पता चल गया, इसका यूज भी अपने आप पता चलेगा। कहां से पता चलेगा, तो आप ग्रामर सेशन को देखते रहिएगा, वहां से पता चलते रहेगा, वहां हम बताते रहते हैं, और शॉर्ट ट्रिक तो बताएंगे शॉर्ट ट्रिक आएगा एकदम, एक मिनट का वीडियो आएगा, 30-30 सेकंड का वीडियो आएगा, 30 सेकंड में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन कैसे पहचाना जाता है सब बताएंगे। तो ए और एन क्या है भाई, तो ए एन एक आर्टिकल है, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक, इंग्लिश मीनिंग होता है वन,
और इसका एग्जाम्पल तो आप लोग सिंपल जानते हो ना जी, यहाँ पर हम लिख दिए ए कैट और यहाँ पर लिख दिए क्या एन एप्पल। कोई समझाने का जरूरत नहीं है, सेंटेंस में अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। इतना अच्छा से समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, चलो मेरे पास एक बुक है ठीक है, मैं क्या बोलूंगा देयर इज अ मोबाइल ऑन द बुक। मैंने क्या बोला देयर इज अ मोबाइल ऑन द बुक, तो बुक के ऊपर है। और वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि एक टेबल बना दिया भैया मैंने, और उस टेबल के पीछे मतलब नीचे, पीछे बोल दिया भैया, उस टेबल के नीचे क्या बैठी हुई है भाई, तो एक बिल्ली बैठी हुई है। देखो भाई हमको ड्राइंग बनाने नहीं आता है, आप ऐसे ही समझ लीजिएगा ठीक है। तो एक बिल्ली बैठी हुई है टेबल के नीचे और बोल रहे म्याऊ 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 बोल रहे, तो आप लोग बोलो कि नहीं यू स्टे अंडर द टेबल, आप कहाँ रहो अंडर द टेबल रहो, तो ए कैट एंड एन एप्पल। समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसके ऊपर समझाने की कोशिश नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबैक। क्या है अबैक, अबैक ए बी ए सी के अबैक। अबैक जो है एडवर्ब होता है, देखो ए बी ए सी के एडवर्ब है, लेकिन जैसे ही ए बी से ए बी ए सी के ईडी अवैक्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा वर्ब। एडवर्ब है, जैसे ही के बाद ईडी लग गया तो वो बन जाएगा वर्ब, अवैक्ट हो जाएगा वर्ब। लेकिन यहाँ अवैक्ट क्या है एडवर्ब है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, किसी व्यक्ति किसी चीज से चकित हो जाना, आश्चर्य नहीं हो जाते, अम्यूज नहीं हो जाते हैं, तो अम्यूज हो जाना किसी चीज से ठीक है। तो बंदा जब अम्यूज हो जाता है तो उस बंदे के पोजीशन को कहते हैं अबैक ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं ए बी ए सी के लगा हुआ है ना, देखते हैं योर क्या कहते हैं, दिस वाज अब आर्टिकल लगा दे, चलो लगा देते हैं एन, और उसके बाद वहां पर अबैक कर देते हैं ए बी ए सी के अबैकिंग, This was an awakening performance. क्या भाई, तो यहां मैंने लिख दिया क्या भाई अबैक, अबैक है एक एडवर्ब, एडवर्ब का मीनिंग हो जाता है चकित हो जाना, एडवर्ब का नहीं अबैक का, इंग्लिश मीनिंग यहां अम्यूज मैंने लिखा है। एग्जाम्पल दिस वॉज एन अवैकिंग परफॉर्मेंस, देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, क्या है भाई परफॉर्मेंस है, एक नाउन हम लोग दे रहे हैं और क्या बोले बेसिकली नाउन है ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अवैकिंग कर रहे हैं, अवैक को कर दिए नाउन में। लेकिन अगर यहाँ पर हम यहाँ पर लगा दिए क्या जंपिंग, अवैकिंग अवैक जंपिंग जे यू एम पी आई एन जी जंपिंग। अब देखो लास्ट बेसिकली तो हम लोग जान रहे होते हैं कि कोई भी वर्ड अगर लास्ट में यूज हो जाए, टू प्लस बिफोर हो चाहे कुछ भी हो तो वो तो बन जाता है नाउन, चाहे वो जेरंड फॉर्म में हो चाहे कुछ फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ जो अवैक है वो एडवर्ब फॉर्म में था, अब हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए इस चीज को ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक और एग्जांपल से समझते चलते हैं, एक एकदम शॉर्ट में एग्जांपल लेते चलते हैं ठीक है, देखते हैं क्या है एग्जांपल। तो हम लोग यहाँ पर अवैक लिखा हुआ है, अवैक का मीन्स क्या हो जाता है भाई चकित हो जाना ठीक है, क्या हो जाता है भाई चकित हो जाना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवैक एक साथ, एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, अबैक क्या कर देता हूं अबैक जजमेंट। बेसिकली हम सिंपली यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई अबैक जजमेंट। अबैक जजमेंट का मीन्स क्या होगा, आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई जजमेंट आ गया किसी की, कोई जज के तरफ से कोई डिसीजन आ गया जस्टिस के तरफ से, तो हो जाएगा अबैक जजमेंट। अब हम लोग आते हैं अबैंडन। अबैंडन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है तिरस्कार करना, किसी चीज को नहीं लेना, किसी चीज का अपमान कर देना, तो उसको क्या कहते हैं अबैंडन कहते हैं। अब भगवान आ गए आपके घर में दर्शन देने के लिए और आप भगवान का कर दिए तिरस्कार, तो भाई उसको अबैंडन कहते हैं, क्या कहते हैं अबैंडन कहते हैं। तो अबैंडन का मीन हो जाता है तिरस्कार करना, अनवैल्यू किसी चीज को वैल्यू नहीं देना, उसी को क्या कहते हैं अबैंडन। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देते हैं मोस्ट ऑफ
पीपल इन्वेस्ट, मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ पीपल इन्वेस्ट अबैंडन देयर रिस्पेक्टिव, क्या मैंने बोला कि अबैंडन देयर रिस्पेक्टिव। तो जो वेस्ट, वेस्ट का मीन्स क्या होता है, वेस्ट एरिया, वेस्ट कंट्री का मीन्स यहां पर हो जाता है, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द पीपुल इन वेस्ट, वेस्ट में रहने वाले जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, मतलब वेस्टर्न पार्ट में, हम लोग ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट अमेरिका, लंदन, बेसिकली लंदन यूरोपियन कंट्री कंटिनेंट में आते हैं। तो मोस्ट ऑफ पीपुल इन वेस्ट अबैंडन देयर रिस्पेक्टिव, तो जो वेस्ट में रहने वाले पीपुल होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव की अबैंडन कर देते हैं, भाई अलग अलग है, उनका इज्जत नहीं देते हैं। हालांकि भाई इंडिया में भी ऐसा होता है, हमको नहीं बोलना चाहिए, इंडिया में भी ऐसा होता है। तो भाई अगर किसी को आप अबैंडन करते हैं तो इस तरह से अबैंडन मत करिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, जो थर्ड वर्ड मीनिंग है वो है बेस, सॉरी अबेस, क्या है अबेस, अबेस का मीन्स हो जाता है फिर भार, फिर से अपमान करना, एक हो रहा था तिरस्कार करना, एक हो रहा था अपमान। तो जब अबैंडन होता है ना, तो अबैंडन का मीन्स होता है तिरस्कार करना। जैसे क्या हुआ, कोई अतिथि आपके यहाँ आए, ठीक है, और कुछ भीड़ लगा हुआ है, और आपका जो नॉर्म कहता है, आपके जो हम लोग का जो सिविलाइजेशन कहता है, कल्चर कहता है कि हम लोग को पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए या इज्जत देनी चाहिए, और कोई इंसान आ गया और हम क्या किए कि ना ही उसे इज्जत दिए ना ही घर पे आने दिए, तब उसको कहते हैं अबैंडन करना। लेकिन अवैध का मीन्स क्या हो जाता है, अपमान करना, मतलब वो बहुत बुरा वाला अपमान, जब किसी का होता है ना बहुत ज्यादा बुरा वाला, बेइज्जती कर देते हैं ना, तो उसको कहते हैं अपमान करना। अब 100-200 का भीड़ है और उस भीड़ में किसी के ऊपर चाटा लगा दिए, उसको गाली दे दिए, तो उसको कहते हैं अवैध, क्या कहते हैं अवैध। तो ए बी ए एस ई अवैध, अवैध का मीन्स क्या हो जाता है, अपमान करना, अब्यूज एंड मॉक, या तो किसी का मजाक उड़ा करके अपमान कर दिए, या तो किसी को गाली दे करके, मजाक मतलब गाली दे करके, मतलब उसका मजाक उड़ा दिए या इज्जत गिरा दिए, ठीक है। तो अपमान करना इसको कह देते हैं। अगर इसका सेंटेंस में यूज करें तो क्या होगा भाई, तो देखिएगा यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते, द किंग अबेस्ड रामलिंगा इन द कोर्ट, मैंने क्या लिखा, द किंग अबेस्ड रामलिंगा इन द कोर्ट, किंग ने, राजा ने रामलिंग को क्या करा, रामलिंगा, तेनाली रामलिंगा के बारे में बात कर रहा हूं। तो राजा के क्या उनसे, कृष्णदेव राय लुथ राय, क्या कहते हैं, द किंग अबेस्ड, अबेस्ड देखो ना, अब्यूज जैसे देखने में लग रहा है ना, तो द किंग अबेस्ड रामलिंगा इन द कोर्ट, रामलिंगा की बेइज्जती कर दी गई, तिरस्कार कर दिया गया, अपमान कर दिया गया, कहां, कोर्ट में। अब नेक्स्ट है अबेस, यहां पर आ रहा है ए बी ए एस ई अबेस। अब नेक्स्ट हम लोग का ए बी ए टी ई अबेट, क्या अबेट, अबेस और अबेट आया, अबेट का मीनिंग जो हो जाता है वो हो जाता है किसी चीज का कम होना, ये भी एक भर्व है। अब किस चीज का कम होगा भाई, तो भाववाचक जो चीज होता है, भाववाचक चीज मीन जैसे किसी को दर्द हो रहा है ना, किसी का इज्जत है, किसी के बीच में दोस्ती है, किसी के बीच में दुश्मनी है, तो जितना भी भाववाचक शब्द है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, अगर वो चीज कम हो जाता है तो उसमें हम लोग लिखते हैं ए बी ए टी ई अवैध, अवैध का मीन्स हो जाता है कम हो जाना, डिक्रीज इन वैल्यूज, खास करके हम लोग लेते हैं इसका मीनिंग क्या, किसी के वैल्यूज में अगर कमती हो जाती, किसी की इज्जत कम गई, गिर गई इज्जत उसकी, तो हम बोलते हैं अवैध। हालांकि हम सब चीज में इसका यूज कर सकते हैं कि भाववाचक चीजों का कम हो जाना, जैसे दर्द वगैरह कम हो गया तो अगर डॉक्टर के ना गए, डॉक्टर आपसे पूछा हाउ इज योर पेन नाउ, है ना, हाउ इज योर स्टमक पेन, हाउ इज योर हेड पेन नाउ, हाउ इज योर हेडेक नाउ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए बी ए टी आई एन जी अबैटिंग, यानी क्या बोला, इट इज अबैटिंग डे बाय डे, ये धीरे धीरे दिन ब दिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, मीन्स मेडिसिन जो है वर्क कर रहा है। अब आगे
आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ABABLTOIR। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में होते ना भाई, तो इसका मीनिंग अच्छे से आप लोग को पता होता। क्या है भाई? ABATTOIR अबैतियोर। क्या है? अबैतियोर। अबैतियोर नाउन है, इसका मीनिंग हो जाता है बुचर खाना। बुचर खाना का मीन क्या होता है? ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, बेसिकली जहां पर गाय काटा जाता है, मारा जाता है ना, तो उसको बोला जाता है बुचर खाना, या इसको कतल खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कतल खाना, या इसको और भी ज्यादा मतलब अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो हालांकि अबैतियोर का मीन्स क्या हो जाता है? बुचर खाना। क्या? बुचर खाना। अबैतियोर का मीन्स हो जाता है बुचर खाना। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इन यूपी, यूपी का मीन्स क्या? उत्तर प्रदेश। इन यूपी ऑल द, क्या हुआ? ऑल द ABATTOIRS अबैतियोर इन यूपी ऑल द अबैतियोर आर बैंड। ठीक है, जितने भी अबैतियोर हैं यूपी में, उनको क्या किया जा चुका है? बैंड किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है। अब है अबे, अबे नहीं पढ़, अबे नहीं पढ़, अबे ऐसे नहीं पढ़ना है, अबे बोल दे तो दिखते हो जाएगा जी। बोले बोले पढ़ो बेटा ए बी बी ई वाई, तो अबे हमको सिखाता है रे, लड़ाई कर लेना यूट्यूब पर, तोड़ देना भैया। तोड़ना होगा कुछ नहीं है, एगो सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसके ऊपर अबे अबे करके गुस्सा निकाल लेना। हालांकि अबे एक तरह का नाउन है, अबे बोला जाता है, अबे। ठीक है, अबे अबे किबे अबे, तो अबे यहाँ पर एक नाउन है, अबे। इसका मीनिंग क्या होता है? एक नाउन है, इसका मीनिंग क्या होता है? ईसाइयों का मत। ये जो चर्च वाले पादरी लोग होते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का हिंदू के धर्म में मंदिर चलता है, मठ चलता है बड़ा बड़ा। ठीक है, उसी तरह से इस्लाम में भी चलता है, मदरसा चलता है उनका, क्या कहते हैं उसको, उनका अपना टेंपल जो होता है उसको, मतलब जो भी उनका अपना टेंपल होता है वो चलता है। उसी तरह से चर्च होता है, उसी तरह से सिखों का गुरुद्वारा होता है। तो सभी का जो अपना अपना मठ होता है ना, उसी तरह से ईसाइयों के जो मठ होते हैं उसको क्या कहते हैं? एबे करते। क्या कहते हैं? एबे करते। ए प्लेस वेयर अ प्रीस्ट वर्शिप, जो जहां पर एक प्रीस्ट वर्शिप करता हो वहां पर रहता वगैरह हो। चर्च वर्शिप का मतलब होता है बेसिकली पूजा करना, प्रीस्ट का मतलब हो जाता है पादरी। तो ए प्लेस वेयर पादरी वर्शिप, जहां पादरी पूजा करता हो, बेसिकली चर्च टाइप ऑफ एरिया, तो उसको कहते हैं एबे। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, इन द एंग्लो सैक्सन इरा। क्या मैंने बोला? इन द एंग्लो सैक्सन इरा द एबे, द एबे वर हैविंग, द एबे वाज हैविंग, बेसिकली वाज लिख देते, the abbey was having a good value। तो जिस समय एंग्लो-सैक्सन era चल रहा था, तो चर्च को अच्छा वैल्यू मिला हुआ था, तो the abbey was having good value मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं abbreviate। abbreviate का मीन होता है किसी चीज को छोटा कर देना, स्क्वीज कर देना। जैसे हम यहाँ पर एक टाइटल लिख करके बताते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एब्रीविएट का मीन, एक वर्ब है, इसका मीन हो जाता है छोटा कर देना। एब्रीविएशन एक नाउन है, इसका मीन होता है किसी चीज का छोटा फॉर्म, किसी चीज का छोटा रूप। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द टाइटल डॉक्टर इज एब्रीविएटेड, इज क्या बोले हम, इज ABVRE VIATED is abbreviated DR, in short, या directly DR ही लिखते हैं। तो ये जो word है doctor, उसको abbreviate करते हैं। क्या करते हैं भाई? Abbreviate करके short में DR लिखते हैं। तो doctor का DR बन गया ना, तो ये abbreviational abbreviated form है उसका, abbreviation है DR, DR का full form doctor। जैसे NCC National Cadet Corps, जैसे MP मनीष पॉल नहीं होता है, मध्य प्रदेश होता है भाई। ठीक है, एक तो कॉल आया था, मतलब नहीं होता है वो रिंग वाला बजता है, तो उसमें आया हुआ था वीडियो। अब उसमें देखते हैं तो बोलता है हेलो, तो हाँ हेलो कौन, MP सर, क्या नाम है? मनीष पॉल सर।
अच्छा मनीष पॉल है, क्या सर पापा का क्या नाम है? एमपी सर। क्या मतलब महेश पॉल सर? हम बोले वो तो पागल बना रहा है यार, एब्रीविएशन फॉर्म है, एब्रीविएशनल फॉर्म में सारा कुछ बोल रहा है, तो एब्रीविएट करना पड़ता है उसे। अब आगे बढ़ते हैं, एफडीके, एब्रीविएट हो गया, एब्रीविएट हो गया, अब एफडीके। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों का थोड़ा इक्वल है, इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं आप लोग को, मिला जुला नहीं देना कि इसका मीन हो गया इसका मीन हो गया, नहीं, इसलिए पूरा का पूरा चीज एकदम देख करके बता रहे हैं। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से समझेंगे, क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। तो क्या कहते हैं एवडिकेट, एवडिकेट का मीन्स क्या होता है भाई? भार्व है, इसका मीन्स हो जाता है कोई पद है उसको त्याग कर दिए, पद का त्याग कर देना, कोई पोजीशन है उस पोजीशन को आप छोड़ दिए, तब कहते हैं एवडिकेट। कोई अच्छा पोजीशन पर आते हैं और वहां से आप अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं एवडिकेट। ठीक है, अच्छे पोजीशन से भी किसी चीज को छोड़ देना तो एवडिकेट। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या बोलेंगे, एक मूवी आया हुआ था बाहुबली, क्या मूवी आया था? बाहुबली, तो हम क्या बोलेंगे, बाहुबली, बाहुबली एवडी केटेड, बाहुबली एवडिकेटेड द थ्रोन ऑफ माहिष्मती। बाहुबली ने क्या किया भाई, माहिष्मती के थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया, बाहुबली एब्डिकेटेड द थ्रोन ऑफ माहिष्मती, बाहुबली ने माहिष्मती के राज सिंहासन को, माहिष्मती के ताज का परित्याग कर दिया, बोले जा हमको नहीं चाहिए, मेरा भाई को दे देना। जब उसकी माँ बोलती है नसीबगामी दे अभी, मेरा वचन ही है शासन, ये है मेरा ऑर्डर, मेरा ऑर्डर है लाउडर है, तो फिर बोलता है वो क्या कहते हैं विजल दे, बोलता है शिवगामी ऐसे होता है, शिवगामी आर यू सेइंग राइट, इज इट ओके, तो बोलती है कस के चिल्लाती है मेरा ऑर्डर है अब एक्स्ट्रा लाउडर, एक्स्ट्रा लाउडर है क्या, देखो बाबू ने अभी कहते थे थ्रोन ऑफ माहिष्मती, माहिष्मती के थ्रोन को उसने छोड़ दिया। अब एब्डोमेन, एब्डोमेन का मींस क्या होता है, पेट, ये तो नाउन है सबको पता होगा, स्टोमक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में कोई सेंटेंस नहीं, ये आपके लिए है भाई, आप खुद से भर लेना, ये सब क्या छोटा छोटा वर्ड बारे में है। अब अबडक्ट, अबडक्ट का मींस क्या होता है, भाग ले जाना, भगा ले जाना, भाग ले जाना, सॉरी, एडक्ट का मीन्स हो जाता है भगा ले जाना। अब एक गाना है भगा ले जाऊंगा नहीं, खा ले जाऊंगा भाई, भगा ले जाऊंगा नहीं, तो देखो ये सब गलत गलत काम है, सब करना का कोई करना तो होता है करता है तो बहुत ही गलत है, जब किसी को फोर्सिबली भगा कर ले जाया जाता है, फोर्सिबली भगा कर ले जाया जाना, जैसे आपकी इच्छा नहीं हो, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं हो और कोई आए और आपको पकड़ के भाग रहा है, बोला चल तू भी साथ चल, चल तू भी साथ चल, भगा के आपको ले जा रहा है फोर्सिबली आपको बिना आपकी इजाजत के, तो एक तरह का किडनैपिंग ही इसको कहते हैं, भगा के ले जाना एक तरह का ये किडनैपिंग के सेंस में आ जाएगा कि आपको अपहरण कर किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्सिबली भगा के ले जाना उसको कहते हैं एब्डक्ट। रन अवे विथ सम, सॉरी विथ सम संबंध, यहां सम लिखा गया है, संबंध लिखना पड़ेगा फोर्सिबली, किसी के साथ फोर्सिबली भाग जाना या भगा के लिए चल लेके जाना, तो इसको कहा जाता है एवडक्ट। तो इसका मीनिंग, इसका सेंटेंस हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, हाँ जी कहने लिख सकते हैं, बहुत सारा मूवी है जिसमें भगा करके लेके चला जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन द मूवी द विलेन, ए बुलेन, नहीं सुनते हैं, ए बुलेन, इन द मूवी द विलेन क्या है भाई, एब्डक्टेड। यहां पर देखिएगा, अभी हम लोग लिख रहे थे एब्डोमेन, एब्डिकेट, अब एब्डिकेट के तरह ही दिख रहा है एब्डक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो द मूवी, इन द मूवी द विलेन एब्डक्टेड, एब्डक्टेड द एक्ट्रेस, मूवी में क्या किया, जो विलेन था उसने एक्ट्रेस को ही अबडक्ट कर लिया। ठीक है, देखो भाई क्या करना पड़ रहा है, अच्छा ऐसे ही शॉर्ट सर्दी आया, मतलब छींक आ गया था, स्नीज आ गया था, तो अब सब ओके है, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है, मास्क लगा के तो पढ़ा नहीं सकते, समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, तो आशा है पूरा का पूरा वर्ड समझ में आ गया होगा। हाँ, कोरोना वरोना मत समझ लेना, ठीक है, इन्हें कमेंट में मार देना सर आपको कोरोना तो नहीं हो गया, इंजेक्शन पहले से टीकाकरण हो रहा है, एक तारीख से आज का दिन है, आज से टीकाकरण हो रहा है, एक दो दिन में टीका ले लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है, इंजेक्शन जाकर क्या वैक्सीनेशन करवा देंगे,
तो उसके लिए टेंशन वगैरह नहीं लेना आप लोग को। बाकी का आशा है आप लोग को अच्छे से ये पूरा का पूरा जितना जितना भी मीनिंग आज मैंने समझाया वो कवर अप हो चुका है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट क्लास क्या भाई, हम लोग कल के ही क्लास में मिलने वाले हैं, तो मिलते हैं कल के क्लास में और कवर करते हैं जितने भी बचे हुए वर्ड मीनिंग्स हैं उनको। बचे हुए वर्ड मीनिंग्स एक दिन में सब थोड़ी ना कवर होगा, एकदम धीरे धीरे। इतने आज कितना वर्ड हम लोगों ने कवर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काफी है, 11 वर्ड एक दिन में काफी है यार। 11 वर्ड याद करोगे तुम लोग, सेंटेंसेस में यूज करोगे तुम लोग, है ना, तो यूज करो 11 वर्ड। बाकी का टेलीग्राम पर आ सकते हो तो टेलीग्राम पर आकर के आंसर दे देना, यूज करके एग्जांपल्स भेज देना, कमेंट में भेजना चाहो तो कमेंट में भेज देना, और अगर टीचमेंट पर चाहो ज्वाइन करना तो टीचमेंट पर यहाँ लिखा हुआ है भाई www.elcm.teachmeet.com और उधर लिखा है www.youtube.elcm.bhaiyanandsir.com। तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर सर्च करना, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, इधर सब्सक्राइब इधर ज्वाइन कर लेना। टीचमेंट पर शाम को 7 बजे तक क्लास चलते रहती है, तो वहां पर जाकर के आप क्लास ले सकते हो। और ये तो आपका यूट्यूब के ऊपर है ही भाई, सुबह 4 बजे 7 से आप अभी 8 से 9 मैथमेटिक्स का शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना खा लो, ब्रश नहीं किए तो ब्रश कर लो, तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। 8 बजे से राहुल सर मिलेंगे आप लोग के साथ और मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं शाम को 4 बजे।